रेवरिया के मऊगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा चलाए जा रहे अवैध नशे के खिलाफ विशेष अभियान में उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर से मिली सूचना पर मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विकास सिंह गौर के द्वारा मऊगंज थाना क्षेत्र के पटेरा तिराहा के आगे NH 135 रोड पर दलबल के साथ घेराबंदी करते हुए आरोपी शिव कुमार पटेल उर्फ अलगू पिता जाहिर पटेल निवासी पटेरा थाना मऊगंज के बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल में लिए जा रहे अवैध नशीली कप सिरप जो कि 300 सीसी विंसरिक्स कप सिरप 58 सीसी कुल 358 सीसी नशीली सिरप जिसकी कीमत करीब 51,380 रुपए, इसके साथ ही टैबलेट जिसमें 19,200 गोलियां थी जिसकी कीमत करीब 7,203 रुपए के साथ जब्त किया गया है। वहीं कुल 1,48,583 रुपए की मशरू का जब्त की गई है। मऊगंज पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 258/22 धारा 8A NDPS एक्ट की धारा 5 व 13 औषधि नियम अधिनियम पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना मऊगंज अंतर्गत एक बाइक पे दो लोग नशीली कप सिरप और नशीली टैबलेट लेके क्षेत्र से जा रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो थाना मऊगंज के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और घेराबंदी में एक अपाचे बाइक पे दो सवारों को घेरने की कोशिश की गई, जिसमें एक व्यक्ति वहाँ से मौके से फरार हो गया और एक व्यक्ति पकड़ा गया, और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसका नाम शिव कुमार पटेल है और जो दूसरा व्यक्ति वहाँ से फरार हुआ है उसका नाम साजन मुसलमान है। और हाँ, जो ये निवासी है शिव कुमार, ये निवासी पटेहरा है और इसके पास से 4 कार्टून में लगभग 358 सीसी को ऑनरेक्स और विनरेक्स नशीली कप सिरप मिली है और इसके अलावा 32 पैकेट में लगभग 19,000 टैबलेट्स मिली है जिनकी कीमत लगभग 7,000 रुपये है और जो कोरेक्स है उनकी कुल कीमत लगभग 51,000 रुपये है। अच्छा, सिरप कहाँ से लाई जा रही थी? ये सिरप यूपी से लाई जा रही थी। कितने बजे की?